द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, जाने कैसे हमारी एनर्जी से हमारे एक्सपीरियंसेस तय होते हैं। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें कहा गया है कि पॉजिटिव थॉट से पॉजिटिव एक्सपीरियंस की संभावना में बढ़ोतरी होती है, जबकि नकारात्मक विचार लोगों के जीवन में नेगेटिव एक्सपीरियंस लाते हैं, और ये लॉ बिना किसी खामी के सेम तरीके से काम करता है। बस आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सकारात्मक रूप से अपने लिए काम करते रहना होगा। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि हर वक्त पॉजिटिव रहना कोई आसान काम नहीं है। जब जीवन में चीजें गलत हो जाती हैं और कुछ भी ठीक होने की उम्मीद नहीं बचती है, तब होपफुल बने रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। और इसी कारण कभी कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ना कर रहा हो ऐसा लगता है। लेकिन एक लॉ जो ऐसा है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी ज्यादा पावरफुल और इम्पैक्टफुल है, और वो है द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। इस लॉ से हम देख सकते हैं कि यूनिवर्स अपने आप में वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज का एक गहरा समंदर है। हमारी पांच सेंसेस, हमारे विचार, हमारी फीलिंग, साथ ही हमारे सभी मामले और हमारी ताकत, ये सभी चीजें वाइब्रेशन होती हैं और यूनिवर्स उनको रिस्पॉन्ड करता है। रियल में अगर आपको अपने लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट करना है तो आपको इनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से चलना होगा। जिस तरह के ड्रीम को आपको रियल रूम में देखना चाहते हैं, उसे समझने के लिए आपको उस एनर्जेटिक इमेजिनेशन में होना चाहिए जिसकी आप इच्छा करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आपको आपके विचारों, आपकी फीलिंग, आपकी बातें और आपके कामों को आप जो चाहते हैं उसके साथ अलाइन करना होगा। यानी कि आपको अपनी सेंसेस को आप जो चाहते हैं उसी तरीके से चलाना होगा। आप जिस तरह की एनर्जी को बाहर निकालते हैं वो इस बात को तय करती है कि आप किन किन तरह के ड्रीम को रियलिटी में तब्दील करना चाहते हैं। एक बार जब आप किसी चीज के साथ वाइब्रेशन से गूंजने लगते हैं, यानी कि आप सभी सेंसेस को अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग अलाइन करते हैं, तो आप इसे रियल में अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। आपकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज और आपकी एनर्जी आपकी फीलिंग के हिसाब से तय होती है। प्यार और हैप्पीनेस जैसी फीलिंग्स हाई लेवल वाइब्रेटिंग फीलिंग्स कही जा सकती हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो हमें जो कुछ भी चाहिए उसे हमारे सामने लाने में बेहद मददगार साबित होती हैं। और अगर इसके विपरीत हम बात करें तो ईर्ष्या, गुस्सा और निराशा जैसी नकारात्मक फीलिंग्स हमारी ड्रीम्स की धज्जियां उड़ा सकती है। जब आप अपने वाइब्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को प्यार और देखभाल के लायक दिखाएंगे। आप अच्छा महसूस करेंगे और अच्छी चीजें ही अट्रैक्ट करेंगे, और इसी को द लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहा जाता है। और हमारी जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज है उनके हम एक तरह से ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं, और जो वाइब्रेशन हम खुद से बाहर निकालते हैं वो बिल्कुल ऐसी ही फ्रिक्वेंसीज और एक्सपीरियंसेस हमें हमेशा देने के लिए यूनिवर्स को अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए अगर आप खुशी वाली फीलिंग्स को यूनिवर्स में फैलाते हैं तो आप ऐसी ही चीज़ें ज़्यादा पाएंगे जो आपको बेहद खुशी महसूस कराएंगी।